हेलो फ्रेंड्स, फिर से आप सभी के यहाँ पर स्वागत है मेरे चैनल व्हाट्स न्यू पे। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ कि आप अपने Redmi 3S और Redmi 3S Prime पे कैसे Asus Zen UI को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले दोस्तों, इसकी जो GSI इमेज की जो फाइल है सिस्टम की, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। ये दोस्तों डाउनलोड हो जाने के बाद आपको इसको एक्स्ट्रैक्ट करना है दोस्तों। इसका रीनेम कुछ भी नहीं करना है आपने, सिर्फ जो प्ले स्टोर पर ZRKV नाम का एक ऐप आता है उससे आप इसको एक्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये एक्स्ट्रैक्ट हो जाने के बाद दोस्तों, एक आपको सिस्टम इमेज नाम की एक फाइल मिल जाएगी इस तरह से। तो इसको आपने जो है वो अपने SD कार्ड या फिर इंटरनल पे कहीं पर भी कॉपी कर देना है। उसके बाद दोस्तों, इसका 3 पेज फाइल है उसको भी आपने डाउनलोड कर लेना है। ये 3 पेज फाइल को भी आपने डाउनलोड कर लेना है क्योंकि इसके दौरान हमें इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके बाद दोस्तों, एक और रिक्वायरमेंट है, आपका जो मोबाइल है उस पर कोई भी ट्रिपल सपोर्टेड रोम इंस्टॉल होनी चाहिए। मैं यहाँ पर दोस्तों RR रोम को यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई सी भी ट्रिपल रोम को यूज़ कर सकते हैं, यानी कि 8.1 होना चाहिए उसमें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे मोबाइल पर अभी RROS का जो वर्जन है वो इंस्टॉल है। अब दोस्तों, हमारा जो मोबाइल है उसको हम पावर ऑफ करके TWRP पे रिबूट कर देंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं हमारा जो डेटा है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, आपका जो भी डेटा है, फ़ोटो वगैरह, उसका बैकअप कर लेना है यहाँ से। उसके बाद दोस्तों, आपको कोई सी भी ट्रिपल रोम अगर आपके मोबाइल पे इंस्टॉल नहीं है तो आप सबसे पहले ट्रिपल रोम को इंस्टॉल कर लीजिए। मैंने RR रोम को पहले से इंस्टॉल किया हुआ है तो मैं वो वापस नहीं दोहराऊंगा। उसके बाद दोस्तों, इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको सिस्टम को और वेंडर को पार्टीशन को माउंट कर देना है। उसके बाद दोस्तों, फाइल मैनेजर पे चले जाना है। उसके बाद नीचे आपको जाना है सिस्टम फोल्डर में। उसके बाद दोस्तों, ETC नाम का एक फोल्डर आपको दिख जाएगा। उसके अंदर दोस्तों, ऐसे लिनक्स नाम का एक फोल्डर होगा, उसको आपने SD कार्ड या फिर इंटरनल स्टोरेज पे कॉपी कर देना है। यहाँ पर दोस्तों, आपका जो एक्सटर्नल SD है वो आपका SD कार्ड होगा और SD कार्ड है वो आपका इंटरनल स्टोरेज होगा। तो यहाँ पर मैं अपने इंटरनल स्टोरेज पे इस फोल्डर को कॉपी कर रहा हूँ। इसको कॉपी हो जाने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ से सिस्टम को डेटा को जो है वो वाइप कर देना है। तो दोस्तों, हमारा जो डेटा है वो सिस्टम है वो अभी वाइप हो गया है। अभी दोस्तों, हमने जो फाइल डाउनलोड की थी, जो एक्स्ट्रा की थी फाइल, उसको हमने ढूंढना है। जहाँ भी आपने वो फाइल कॉपी की थी, जो सिस्टम वाली फाइल थी Zen UI की, उस इमेज फाइल को ही दोस्तों हमने इंस्टॉल करना है। यहाँ पर दोस्तों, ये बैकअप रोम नहीं है या फिर आप डायरेक्टली इंस्टॉल नहीं कर सकते। ये दोस्तों GSI इमेज है, यानी कि आपको इस इमेज को ही इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको इंस्टॉल इमेज पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों, सिस्टम की जो इमेज है उसको आपको सिस्टम इमेज जो पार्टीशन है उसको ही उसमें ही इंस्टॉल करना रहेगा। अगर दोस्तों आप रिकवरी पार्टीशन के अंदर उसको इंस्टॉल करेंगे तो आपका मोबाइल ब्रेक भी हो सकता है। तो दोस्तों, हमारी सिस्टम इमेज फाइल है वो भी इंस्टॉल हो गई है। अभी दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको वापस से मेन मेनू पर आ जाना है। उसके बाद दोस्तों, माउंट पे क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों, आपको वेंडर को अनमाउंट करके माउंट कर देना है। और उसके बाद दोस्तों, पेज की जो हमने फाइलें डाउनलोड की थी 1, 2, 3, उसको आपने बारी बारी से फ्लैश कर देना है। यानी कि सबसे पहले पेज 1, उसके बाद दोस्तों पेज 2 की फाइल, और उसके बाद पेज 3 की जो फाइल है उसको आपने इंस्टॉल कर देना है। ये दोस्तों जो पेज है वो, उसका काम ये है कि हमारा जो बूट लूप है वो नहीं होने देता और आपका मोबाइल है उस पर ये रोम बूट कर देता है। ये हो जाने के बाद दोस्तों, अभी आपको माउंट पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों, सिस्टम पार्टीशन को आपने माउंट कर देना है। उसके बाद दोस्तों, एडवांस पे जाना है, फाइल मैनेजर पे जाना है, और जहाँ भी आपने वो SE लिनक्स वाला फोल्डर कॉपी किया था उसको आपने वापस से कॉपी करके सिस्टम पार्टीशन के ETC फोल्डर में आपको पेस्ट कर देना है। तो ये रहा हमारा कॉपी किया हुआ फोल्डर। तो इसको आपने कॉपी करना है यहाँ से। उसके बाद दोस्तों, आपको ख्याल रखना है कि यहाँ पर मेन डायलॉग ट्री पे सिस्टम फोल्डर में जाना है। उसके बाद दोस्तों, इस ATC फोल्डर में जाना है। यहाँ पर पहले से ही वो फोल्डर होगा, फिर भी हमने यहाँ पर कॉपी कर देना है। उसके बाद दोस्तों, रिबूट सिस्टम कर देना है। अगर दोस्तों आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका जो मोबाइल है वो डायरेक्टली रिबूट टू फास्ट बूट हो जाएगा। तो दोस्तों, आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर Zen फोन का जो बूट लोगो है वो आ गया है, बूट एनिमेशन आ गया है। अभी दोस्तों, आपको सिर्फ 5 मिनट तक वेट करना है, आपका जो मोबाइल है उस पर ये अपने आप ही बूट ऑफ हो जाएगा।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर GNUI यानी कि Asus का जो सिस्टम है वो भी Redmi 3S पे कम्प्लीटली जो है वो बूट अप हो गया है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि वोल्टी पहले से ही आ गया है, इसका मतलब ये है कि वोल्टी इस पे जो है वो वर्क कर रहा है। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कुछ भी APN वगैरह सेट नहीं करना है, आपको सिंपली जो है वो यहाँ पर नेक्स्ट नेक्स्ट कर देना है। दोस्तों यहाँ पर आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आपको क्या करना है, आपका जो डेटा है उसको फॉर्मेट कर देना है, यानी कि डेटा पार्टीशन को एक बार वाइप करके वापस से रिस्टार्ट कर देना है, तो आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। फिलहाल मुझे ऐसी कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर फेस नहीं हो रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ZenFone का जो UI है और ZenUI वो करंटली मेरे मोबाइल पे इंस्टॉल हो गया है। यहाँ पर दोस्तों आपको प्ले सर्विस यानी कि प्ले स्टोर वगैरह जो पहले से ही मिल जाता है और GApps भी इसमें आपको प्री इंस्टॉल मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एंड्रॉयड 8.1 मिल जाता है। आप देख सकते हैं थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम है, इस वजह से आपको वीडियो में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो यहाँ पर हमारे मोबाइल पर यानी कि Redmi 3S Prime पे 8.1 जो कि ऑफिशियली अभी तक आया नहीं है वो इंस्टॉल हो गया है। इसके थोड़े से बग्स है, यानी कि हमारा जो होम बटन है वो वर्क नहीं कर रहा, होम की जो है वो वर्क नहीं करता इस पर, और कुछ भी इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। इसमें थोड़ा सा वाईफाई का प्रॉब्लम है, पर उसका फिक्स जो है वो अवेलेबल है, तो आप उसको फिक्स करके भी इंस्टॉल करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होकर पूछ सकते हैं।